हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लर्न सिटी। अपने यूट्यूब चैनल लर्न सिटी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया हो तो कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है, पिछला वीडियो में अपन ने साउंड को कम्प्लीट किया था, साउंड वेव चल रहा था अपना, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड यानी कि ध्वनियों के जो लक्षण होते हैं उनके बारे में अपन काफ़ी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ध्वनि के जो है तीन लक्षण मुख्यतः होते हैं दोस्तों, मुख्यतः तीन लक्षण होते हैं। पहला हो गया तीव्रता, दूसरा तारत्व और तीसरा गुणता। दोस्तों, तीनों के बारे में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन करते हैं एक एक पॉइंट को लेके। चलते नेक्स्ट पॉइंट पे, ध्वनि की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी, इसके बारे में अपन थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ध्वनि की तीव्रता या फिर ध्वनि उत्पन्न करने वाली किसी भी कंपनशील वस्तु के कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। यानी कि जो ध्वनि की जो तीव्रता है वो ध्वनि उत्पन्न करने वाली वस्तु जो ध्वनि उत्पन्न करती है ना, उसकी कंपनशील वस्तु के कंपनों के आयाम पर निर्भर करती है कि उसकी तीव्रता कितनी होगी। दोस्तों, कंपन का जो आयाम या एम्पलीट्यूड की अपन बात करें, जितना अधिक होगा ध्वनि की तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी। इनकी जो कंपन का आयाम जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ध्वनि की तीव्रता भी उतनी ही अधिक बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेंगे, ध्वनि की जो तीव्रता उसको अपन डेसीबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को डेसीबल में मापा जाता है। सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसीबल की ध्वनि पर्याप्त होती है। 90 डेसीबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा है। दोस्तों, कोई व्यक्ति सोया हुआ है तो उसके लिए 50 डेसिबल की ध्वनि उसको जगाने के लिए काफ़ी होती है। और जब अपन किसी शोर वाले वातावरण में जाते हैं तो वहाँ पे 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की जो अधिकतम सीमा होती है। दोस्तों, कंपनशील जो वस्तु है उसका आकार जितना अधिक बड़ा होगा उतने बड़े आयाम के कंपन उत्पन्न होंगे। कंपनशील वस्तु का आकार जितना अधिक बड़ा होगा ना, उतने ही बड़े आयाम के कंपन उत्पन्न होंगे, जिसके कारण उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी एवं ध्वनि उतनी ही तेज सुनाई देगी। दोस्तों, इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से समझते हैं। कंपनशील वस्तु का आकार जितना बड़ा होगा ना, उतने ही बड़े उसके कंपन होंगे। आकार जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसके कंपनों का आयाम भी बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे कंपनों का आयाम बढ़ता जाएगा तो ध्वनि की तीव्रता भी अधिक हो जाएगी, जिसके कारण उत्पन्न ध्वनि की तीव्रता अधिक हो जाती है और ध्वनि अपने को तेज सुनाई देती है। दोस्तों, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट अपना, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि की जो तीव्रता होती है वो डेसिबल में मापी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं, कुछ अपने पास यहाँ पे दिया गया है जो ध्वनियों के स्रोत और इनकी तीव्रता यहाँ पे डेसिबल में दी गई है। दोस्तों, फुसफुसाहट जब अपन करते हैं तो वहाँ पे 15 से 20 डेसिबल की ज़रूरत पड़ती है। साधारण बातचीत के लिए जो अपने को 30 से 40 डेसिबल की ज़रूरत पड़ती है। फिर जोर से बातचीत अपन कर पा रहे हैं तो वहाँ पे 50 से 60 के बीच में जोर से बातचीत जब करते हैं तो 50 से 60 के डेसिबल के बीच में ध्वनि होती है। दोस्तों, ट्रक या फिर ट्रैक्टर की बात कर लें तो इसमें 90 से 100 डेसिबल होता है। और ऑर्केस्ट्रा की अपन बात कर लें तो इसमें भी 100 डेसिबल होता है। जैसे विद्युत मोटर जो है उसमें 110 डेसिबल हो जाएगा। और जो मोटरसाइकिल होती है दोस्तों, उसमें भी 110 डेसिबल की ध्वनि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करें यहाँ पे सायरन की अपन बात कर ले तो 110 से 120 तक हो जाता है। और जेट विमान जो है इसमें 140 से 150 तक की ध्वनि जो है डेसिबल अपने को देखने को मिल जाती है। मशीन गन की अपन बात कर पा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ से 170 हो जाएगा। और मिसाइलों की जब अपन बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 180 डेसिबल। दोस्तों, यंत्र या फिर कारखानों का शोर अपन देख पा रहे हैं तो वो 100 डेसिबल हो जाता है। जब किसी कारखाने से आवाज़ें आती है तो वो 100 डेसिबल मैक्सिमम होता है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट शोर और तीव्रता डेसिबल में दे रखी है, ये भी आपको काफ़ी याद रखना है। वैसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि साधारण बातचीत में अपने को कितने डेसिबल की आवश्यकता होती है। फिर अभी अपन ने पीछे पढ़ा था किसी को सोए हुए को जगाने के लिए कितने डेसिबल ध्वनि की आवश्यकता होती है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना यहाँ से हो जाता है। दोस्तों, तीव्रता जो था फर्स्ट टॉपिक अपना कम्प्लीट हो जाता है। तारत्व की अपन बात कर लेते हैं। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम ध्वनि को मोटा या पतला कहते हैं। जो ध्वनि मोटी होती है या पतली होती है उसके उस लक्षण को या फिर उस प्रॉपर्टी को अपन तारत्व कहते हैं। ध्वनि का तारत्व जो है ध्वनि की आवृत्ति पर डिपेंड करता है। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपके सामने, ध्वनि का जो तारत्व है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है,
ध्वनि की आवृत्ति पर तीव्रता पर काफी बार पूछा जाता है दोस्तों। तो अपने को ध्यान रखना है कि जो ध्वनि का तारत्व है ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारत्व बढ़ता जाता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति को अपन बढ़ाते जाएंगे तो उसका तारत्व भी बढ़ता जाएगा, और तारत्व बढ़ता जाएगा तो ध्वनि तीक्ष्ण एवं पतली होती जाएगी। यानी कि ध्वनि का जब तारत्व ज्यादा बढ़ता जाएगा तो ध्वनि जो है तीक्ष्ण और पतली होती जाएगी। बच्चों एवं स्त्रियों में पतली आवाज़ तारत्व अधिक होने के कारण ही हो पाती है दोस्तों। बच्चों की आवाज़ और जो स्त्रियों की आवाज़ है वो काफ़ी पतली होती है। पतली होने का कारण क्या है, उनमें तारत्व अधिक होता है। पुरुषों की आवाज़ जो है मोटी होती है, मोटी होने का कारण है कि उनमें तारत्व कम होता है। तारत्व कम होने के कारण पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है। पुरुषों की ध्वनि का तारत्व स्त्रियों की अपेक्षा कम होता है, यानी कि पुरुषों का तारत्व, पुरुषों में जो ध्वनि है उसका तारत्व कम होता है, जिसके कारण वो अपने को मोटी सुनाई देती है। जबकि स्त्रियां जो है उनमें तारत्व अधिक होने के कारण वो अपने को पतली सुनाई देती है। तो दोस्तों यहाँ पे स्त्रियों का जो है तारत्व अधिक हो जाएगा जबकि पुरुषों का तारत्व कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं दोस्तों। चिड़िया की आवाज़ सोनोमीटर के पतले तार से चिड़ियों की आवाज़ सोनोमीटर के पतले तार से निकलने वाली ध्वनि, ये अपन देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। कहा गया चिड़िया की आवाज़ को देख लो, फिर सोनोमीटर से पतले तार से निकली हुई ध्वनि को देख लो। मच्छरों की भिनभिनाहट अधिक तारत्व के कारण उदाहरण है। अधिक तारत्व होता है तो अपने को बहुत पतली सुनाई देती है दोस्तों। शेर की दहाड़ तथा मच्छरों की भिनभिनाहट में जो मच्छरों की भिनभिनाहट है उसका तारत्व काफ़ी अधिक होता है, एवं शेर की दहाड़ का जो तारत्व है काफ़ी कम होता है। शेर की दहाड़ का तारत्व कम होने के कारण उसकी आवाज़ अपने को मोटी सुनाई देती है, जबकि मच्छरों की भिनभिनाहट का तारत्व अधिक होने के कारण वो अपने को बहुत पतली ध्वनि सुनाई देती है दोस्तों। ये अपना तारत्व यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं गुणता। गुणता जो है ध्वनि का वह लक्षण जिसके आधार पर दो भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई समान आवृत्ति एवं समान तीव्रता की ध्वनियों में भी अंतर प्रतीत होता है। यानी कि गुणता जो है ध्वनि का वह प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर दो भिन्न भिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न की गई समान आवृत्ति एवं समान तीव्रता की ध्वनियों में भी अपने को अंतर प्रतीत होता है दोस्तों। एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। एकल आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उसको अपन टोन कहते हैं, तथा अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। अनेक आवृत्तियां जो होती हैं उनके मिश्रण से उत्पन्न जो ध्वनि होती है उसको अपन स्वर कहते हैं। ये हमारे कानों को सुनने में सुखद लगते हैं। जो दोस्तों स्वर होते हैं हमारे कानों को सुनने में सुखद लगते हैं, जबकि शोर जो है कानों को कर्कश लगता है दोस्तों। अच्छी गुणवत्ता का संगीत कानों के लिए सुखद होता है। जो दोस्तों शोर जो होता है कानों के लिए कर्कश होता है, जबकि स्वर जो होते हैं हमारे कानों को सुनने में सुखद लगते हैं। अच्छी गुणवत्ता के संगीत भी कानों के लिए सुखद रहते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स अपन देख लेते हैं दोस्तों। यदि हारमोनियम सितार और सारंगी से समान आवृत्ति की ध्वनियाँ उत्पन्न की जाए तो उन्हें सुनते ही हमें उनके उत्पादन स्रोत का ज्ञान हो जाता है दोस्तों। जैसे कि अपन सारंगी हारमोनियम या फिर सितार तीनों से समान आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करें तो अपने को जैसे ही अपन ध्वनि सुनते हैं तो अपने को पता लग जाता है कि ये जो हारमोनियम की आवाज़ है और ये जो आवाज़ है सारंगी या फिर सितार की है। तीनों में दोस्तों अपने को अंतर नजर आने लगता है, और वो अंतर किसके कारण आ पाता है अपना, वो जो अंतर अपना आता है ये पॉइंट जो अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों गुणता, इसके कारण अपना आ पाता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं। अगला पॉइंट अपने सामने दे रखा है, यदि एक बंद ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप तथा एक ओपन ऑर्गन पाइप या फिर खुले ऑर्गन पाइप जो है से समान आवृत्ति का मूल स्वरक उत्पन्न हो रहा है तो भी दोनों से उत्पन्न ध्वनियों की गुणता भिन्न होती है, क्योंकि बंद पाइप से जो है निकलने वाली ध्वनियाँ केवल विषम सनादि उपस्थित होता है, जबकि खुले पाइप से निकलने वाली ध्वनियों में सम और विषम दोनों सनादि उत्पन्न होते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसका कहने का मतलब यह है कि एक तो क्लोज ऑर्गन पाइप और एक ओपन ऑर्गन पाइप, दो पाइपों से अपन समान आवृत्ति की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं तो उनकी गुणता भिन्न भिन्न होती है। गुणता भिन्न भिन्न होने का कारण जो है बंद जो पाइप होता है उसमें तो विषम सनादि उपस्थित होते हैं, जबकि जो खुला पाइप होता है उसमें विषम तथा सम दोनों सनादि उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं। मूल स्वरक जो फंडामेंटल नोट्स हैं अधिक आवृत्ति वाले सनादि को अधिस्वरक कहते हैं दोस्तों। मूल स्वरक फिर अधिक आवृत्ति वाले सनादियों को अपन अधिस्वरक कहते हैं दोस्तों। जिस आवृत्ति के स्वर की प्रधानता रहती है उसे अपन मूल स्वरक कहते हैं। जिस आवृत्ति के स्वर की प्रधानता रहती है अपन उसको मूल स्वरक कहते हैं।
बाकी स्वरों को सनादि स्वर, सनादि स्वरक कहते हैं, मतलब जिस आवृत्ति के स्वर की प्रधानता होती है वो तो अपना मूल स्वर हो गया, मूल स्वर के अलावा जो स्वर अपने बच गए वो जाएंगे अपने सनादि स्वरक। इनकी आवृत्ति जो है मूल स्वर की दुगुनी या फिर तिगुनी होती है। जो सनादि स्वरक है इनकी आवृत्ति जो है मूल जो स्वरक है उसकी दुगुनी या फिर तिगुनी होती है। दोस्तों ये थे तीनों पॉइंट अपने, जिनके बारे में अपन ने काफ़ी डिटेल से डिस्कशन किया है। अब अपन डॉपलर इफेक्ट जो है अपना ध्वनि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट इफेक्ट हो जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। डॉपलर इफेक्ट जो है अपना, इस प्रभाव को बौद्धिक वैज्ञानिक था क्रिश्चियन जॉन डॉपलर ने 1842 ईस्वी में प्रस्तुत किया। दोस्तों आपको ये नाम याद रखना, डॉपलर प्रभाव देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्रिश्चियन जॉन डॉपलर, जो इन्होंने जो ये सिद्धांत दिया ये दिया था 1842 ईस्वी में, 1842 ईस्वी में। दोस्तों इस सिद्धांत के अनुसार श्रोता या फिर स्रोत की गति के कारण किसी तरंग हो गई अपनी ध्वनि तरंग या प्रकाश तरंग, कोई सी तरंग हो सकती है। दोस्तों इसके अनुसार स्रोत या फिर श्रोता की गति के कारण किसी तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है, अर्थात जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होने की घटना को अपन क्या कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट जो है आवृत्ति के बदलती आवृत्ति प्रतीत होने की घटना ही अपनी क्या हो गई दोस्तों, यहाँ से डॉपलर इफेक्ट। दोस्तों अपन यहाँ पे देख लेते हैं, द डॉपलर इफेक्ट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ ए वेव इन रिलेशन टू एन ऑब्जर्व हु इज मूविंग रिलेटिव टू द वेव शोर्स। दोस्तों अपन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो डॉपलर इफेक्ट जो है फ्रीक्वेंसी चेंज और वेवलेंथ के बारे में अपने को, देखो यहाँ से अपन देख पा रहे हैं दोस्तों, जब तरंग के स्रोत और श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को तरंग की आवृत्ति जो है बदली हुई प्रतीत होती है। ये आवृत्ति का जो बदलना ही है या फिर बदलती हुई आवृत्ति जो प्रतीत हो रही है वो अपना क्या होगा, डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं दोस्तों, डॉपलर इफेक्ट की निम्न स्थितियाँ प्राप्त होती है, जो कि निम्न डॉपलर इफेक्ट की जो है दोस्तों दो स्थितियाँ अपने सामने दे रखी है, पर देख लेते हैं। जब आपेक्षिक गति के कारण स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घट रही होती है तब आवृत्ति अपने को बढ़ती हुई प्रतीत होती है। जब आपेक्षिक गति के कारण स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी अपने को घटती हुई प्रतीत हो रही होती है तब आवृत्ति अपने को बढ़ती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आवृत्ति बढ़ती हुई कब प्रतीत होती है, जब स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घट जाती है, बढ़ जाती है, समान रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपने को वहाँ पे करना है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा जब उनकी दूरी घट रही होती है तो अपने को आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं दोस्तों, जब आपेक्षिक गति से श्रोता तथा स्रोत की बीच की दूरी बढ़ रही होती है तो आवृत्ति अपने को घटती हुई प्रतीत होती है। जब श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी बढ़ जाती है, ये श्रोता और स्रोत के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो अपने को आवृत्ति जो है वहाँ पे घटती हुई प्रतीत होती है। दोस्तों इससे रिलेटेड अपने को एक फॉर्मूला यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रखा है, आभासी आवृत्ति जो होती है अपनी, आभासी आवृत्ति हो जाएगी प्रेरक के सापेक्ष ध्वनि का वेग, प्रेरक के सापेक्ष ध्वनि का वेग बटे स्रोत के सापेक्ष ध्वनि का वेग इंटू वास्तविक आवृत्ति। दोस्तों आभासी आवृत्ति अपने को निकालनी है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास प्रेरक के सापेक्ष जो ध्वनि है उसका वेग बटे स्रोत के सापेक्ष ध्वनि है उसका वेग इंटू वास्तविक आवृत्ति। दोस्तों अपन यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव का सूत्र निम्न प्रकार है, प्रकाश स्रोत का वेग जो है दोस्तों ये हो जाएगा अपना, प्रकाश स्रोत का वेग बराबर हो जाएगा अपना प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परिवर्तन बटे प्रकाश की तरंग दैर्ध्य इंटू प्रकाश का वेग। प्रकाश स्रोत का वेग अपन न्यू मान लें दोस्तों, तो तरंग दैर्ध्य परिवर्तन डेल्टा लैम्ब्डा बटे प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य हो जाएगी लैम्ब्डा इंटू प्रकाश का जो वेग हो जाएगा अपने पास सी, यानी कि डेल्टा लैम्ब्डा अपॉन लैम्ब्डा इंटू सी, जो ये है अपना हो जाएगा प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव का फॉर्मूला। दोस्तों प्रकाश के लिए डॉपलर प्रभाव का फॉर्मूला हो गया अपना न्यू बराबर डेल्टा लैम्ब्डा अपॉन लैम्ब्डा इंटू सी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इससे काफ़ी एग्जाम में न्यूमेरिकल्स जो है पूछने जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लें, डॉपलर प्रभाव का उपयोग निम्नलिखित कार्यों में किया जाता है। दोस्तों डॉपलर प्रभाव का जो उपयोग है अपन देख लें यहाँ से, तो प्रभाव की डॉपलर जो प्रभाव है इसके कारण जब रेलगाड़ी का इंजन सीटी बजाते हुए श्रोता के निकट आता है
तो उसकी ध्वनि जो है बड़ी तीखी और अधिक आवृत्ति की सुनाई पड़ती है। एक ही इंजन स्रोत को पार करके दूर जाने लगता है तो उसकी ध्वनि मोटी एवं कम आवृत्ति की सुनाई पड़ने लगती है। दोस्तों अभी अभी अपन ने ऊपर डिस्कस किया था दो पॉइंट, जब स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घटती हुई प्रतीत होती है, स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घटती हुई जब अपने को प्रतीत होती है तो उनकी आवृत्ति बढ़ जाती है। जब रेलगाड़ी जो है स्टेशन की तरफ आ रही है, स्टेशन पर जो है श्रोता सुनने वाला खड़ा है, तो स्टेशन की तरफ आ रही है तो उनके बीच की दूरी घटती हुई प्रतीत हो रही है, या फिर निकट आ रही है तो ध्वनि जो है बड़ी तीखी अर्थात उसकी तीव्रता आवृत्ति जो है अधिक आवृत्ति की सुनाई पड़ती है। और जब ध्वनि जब रेलगाड़ी स्टेशन से वापस जा रही होती है तो स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी बढ़ती हुई प्रतीत होती है। तो जब इंजन जो है स्रोत को पार कर दूर जाने लगता है तो ध्वनि जो है मोटी अर्थात कम आवृत्ति की अपने को सुनाई देने लगती है। दोस्तों ये जो है डॉपलर प्रभाव को अपन एक स्टेशन से स्टेशन पर आने वाली ट्रेन के एग्जांपल से अपन समझ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपन देख पा रहे हैं यहाँ पे किसी स्टेशन की ओर आते हुए वायुयान की दिशा में वेग को ज्ञात करने के लिए, वेग को ज्ञात करने में किया जाता है जो डॉपलर प्रभाव। इसका जो उपयोग अपन स्टेशन की ओर आते हुए वायुयान की दिशा के वेग को ज्ञात करने के लिए करते हैं। स्टेशन से रडार के द्वारा रडार तरंगे वायुयान की ओर भेजी जाती है जो परावर्तित होकर वापस लौट जाती है। यदि इन परावर्तित तरंगों की आवृत्ति भेजी गई तरंगों की आवृत्ति से अधिक है तो यान स्टेशन से दूर जा रहा है। जब इन आपतित या फिर परावर्तित आपतित एवं परावर्तित तरंगों के बीच आवृत्ति का अंतर ज्ञात करके अपन वायुयान के वेग का पता करते हैं। इसी प्रकार समुद्र के अंदर पनडुब्बियों का पता करते हैं। दोस्तों ये जो एग्जाम्पल अपने को जो डोपलर इफेक्ट है इससे अपन वायुयान की दिशा के वेग का ज्ञात कर सकते हैं, और जो पनडुब्बियाँ जो है समुद्र में पनडुब्बियाँ उनका भी अपन इससे पता लगा सकते हैं। पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए भी अपन डोपलर प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखें दोस्तों, प्रकाश के डोपलर प्रभाव से यह पता लगाया जाता है। प्रकाश का जो डोपलर प्रभाव है उससे अपन ये पता लगा सकते हैं कि कोई आकाशीय पिंड पृथ्वी की ओर आ रहा है, कोई भी आकाशीय पिंड जो है पृथ्वी की ओर आ रहा है या फिर पृथ्वी से दूर जा रहा है। यदि वह पृथ्वी की ओर आ रहा है तो उससे प्राप्त आवृत्ति रेखा स्पेक्ट्रम के बैंगनी रंग की ओर विस्थापित हो जाती है, और यदि पिंड पृथ्वी से दूर जा रहा है तो रेखाएं लाल रंग की ओर विस्थापित हो जाती है। दोस्तों जो डोपलर प्रभाव जो है इससे अपन आकाशीय पिंड जो पृथ्वी की ओर आ रहा है या फिर दूर जा रहा है उसके बारे में पता लगा सकते हैं। पता कैसे लगाएंगे दोस्तों, यदि पृथ्वी की ओर कोई आकाशीय पिंड आ रहा है तो उससे प्राप्त जो आवर्त रेखाएं जो होती है उनमें उनके स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग की ओर विस्थापित हो जाती है। जो उनकी आवर्ती रेखाएं जो होती है वो बैंगनी रंग की, और यदि शिफ्ट हो जाए तो वो पिंड जो है पृथ्वी की ओर आ रहा है, और यदि वो लाल रंग की ओर शिफ्ट हो जाती है, लाल रंग की ओर भी स्थापित हो जाती है तो फिर वो पृथ्वी से दूर जा रहा है। तो दोस्तों इसका जो उपयोग अपन प्रकाश के लिए डोपलर प्रभाव का उपयोग अपन आकाशीय पिंडों की पृथ्वी की ओर गति का पता लगा सकते हैं। जो रेलवे इंजन है उसके बारे में, रेलवे स्टेशन पर आने वाले स्रोत की ओर ट्रेन और स्रोत से दूर जाने वाली ट्रेन के बारे में भी इससे डॉपलर प्रभाव से अपन बता सकते हैं। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ से अपन ने करेक्टरिस्टिक ऑफ ध्वनि यानी कि ध्वनि के गुण या फिर लक्षणों के बारे में अपन ने बात किया है काफ़ी डिटेल से। दोस्तों अगला जो अपना वीडियो रहेगा उसमें अपन ध्वनि के कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे अपन प्रकाश में अपन ने बात किया था प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, वैसे ही ध्वनि का परावर्तन कैसे हो पाता है, कैसे ध्वनि अपवर्तित हो पाती है, इनके बारे में अगले वीडियो में काफ़ी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है जहाँ से आप जुड़ना चाहो जुड़ सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट आप कर सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो। दोस्तों यदि ये PDF आपको प्राप्त करनी है तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आप किसी भी इंडिया का किसी भी एग्जाम जिसमें साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो देखना ना भूलें। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। साइंस का कोई भी एग्जाम हो, विशेषकर टीचिंग एग्जाम ले लो, चाहे कोई सा भी इंडिया का एग्जाम हो, उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।